तो मार्वल का नया शो और वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मार्वल का टीवी शो सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड आ चुका है और मैं इसे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इससे काफी अलग वाइब्स आ रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी याद है, उसको ले लो और उसके साथ कैप्टन मार्वल मूवी को थोड़ा मिक्स कर दो, जो वाइब्स आएंगे वैसे थोड़े फार सिमिलर वाइब्स आ रहे हैं इस सीरीज से भी। ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हैं कि इस शो से डिटेक्टिव काइंड ऑफ शो की वाइब्स आती है, प्लस उसमें थोड़े से साइफाई एलिमेंट्स को ऐड कर दो, थोड़े से एलियंस को ऐड कर दो और स्टेक्स हाई कर दो, बट नॉर्मल रखो एक सुपर हीरो फिल्म के लिए, जैसे कि दुनिया का तबाह हो जाना, एलियन का कब्जा हो जाना और ह्यूमन रेस का खत्म होना। बहुत ही स्टैंडर्ड स्टफ है कोई भी सुपर हीरो स्टेक्स के लिए। तो इसका पहला एपिसोड बहुत ही अच्छा तगड़ा काम करता है कि पूरी सीरीज की जो थीम होने वाली है वो सेट करने के लिए, जो कि थी डिटेक्टिव वाली और नो हाफ मेजर्स वाली, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये चीज मुझे पॉइंट आउट करनी थी कि ग्रैविक का जो कैरेक्टर है, जो ऐसा लगता है कि मेन विलन है, इसका पर्सोना बहुत ही तगड़ा दिखाया गया है। ये जो फाइनल सीन था, ये जो शॉट था उसका, कि जब उसने बॉम्ब्स ब्लो कर दिए, वो भी निक फ्यूरी की आंखों में आंखें डाल के उसने जो बटन दबाया, उस सीन से एस्टैब्लिश हो गया था। वो एक सीन नहीं था, वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट था कि कौन किससे लड़ रहा है। और ग्रैविक कोई ऐसा वैसा विलेन नहीं है, बहुत ही तगड़ा ओपोनेंट होने वाला है निक फ्यूरी के लिए। और इसी को हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश किया था उन्होंने एंटागनिस्ट को। मतलब यार निक फ्यूरी है, उसको आप आंखों में आके डाल के ऐसा कुछ कर नहीं सकते। और ऊपर से हम ऑडियंसेस को पता है कि निक फ्यूरी क्या चीज है, और उसको ग्रैविक ने इतना सादा सिंपल समझ के इतना बड़ा कांड कर दिया, That is a pretty strong statement. तो चलो ग्रैविक की स्टोरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मारिया हिल के डेथ पे फोकस करते हैं। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा मारिया हिल को डेथ होते होते, क्योंकि शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स और मैं काफी लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि उसके स्टोरी को और डीप में देखने के लिए, उसे काम करते हुए देखने के लिए निक फ्यूरी के साथ, और उसके लाइफ के बारे में और कुछ जानने के लिए। लेकिन शायद से ऐसा लगता है कि वैसा होने वाला, लेकिन क्या पता कहीं वो भी स्क्रल तो नहीं। और जो ट्विस्ट एंडिंग उन्होंने रखा था वो भी काफी काबिले तारीफ था, क्योंकि ऐसा लगता है कि मारिया हिल जो है वो खुद एक स्क्रल है, इसके वजह से निक फ्यूरी उसे शूट करता है। लेकिन उसके अगले ही मोमेंट पे हमें निक फ्यूरी हंसते हुए दिखता है, जिसके वजह से एस्टैब्लिश हो जाता है कि निक फ्यूरी एक्चुअली स्क्रल था। तो वो ट्विस्ट एंडिंग उन्होंने काफी अच्छी रखी और मुझे मजा आया वो देखकर। और हाँ, मैं ये चीज एक हाईलाइट करना चाहूंगा, अब ये मेरा ओपिनियन है पर अब देखना आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि निक फ्यूरी जो ग्रैविक से लड़ रहा है, वो ग्रैविक एक्चुअली निक फ्यूरी ही है पास्ट वाला। मतलब कैसे, मैं समझाता हूँ। मतलब मैं कोई स्क्रल वाला शेप शिफ्टिंग वाली बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप निक फ्यूरी के टॉप मोस्ट क्वालिटीज को देखो, तो वो काफी सीक्रेटिव आदमी है, वो उसके प्लान ज्यादा करके किसी को पता ही नहीं, ज्यादा करके क्या, वो किसी को बताता ही नहीं है। दूसरी बात, वो उसके नेमेसिस से, वो उसके विलन से 10 कदम हमेशा आगे रहता है, कि इज अ स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन। और यही कुछ क्वालिटीज हमें ग्रैविक में भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस कन्वर्सेशन पे अगर हम फोकस करें जो कि टैलोस और उसके बेटी के बीच में हुआ था, तो टैलोस की बेटी टैलोस को साफ साफ बोलती है कि ग्रैविक किसी को अपने प्लान्स बताता नहीं है, इसका मतलब वो भी सीक्रेटिव है। और दूसरी बात, एपिसोड के एंड में ऐसा साफ लग रहा था कि ग्रैविक निक फ्यूरी को आना, मतलब निक फ्यूरी का आना वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था, इसका मतलब वो निक फ्यूरी से 10 कदम आगे भी था। यार मुझे तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि उनके टीवी के शो के मेकर्स ने एक मेटाफोर जैसा रखा है कि निक फ्यूरी इज फाइटिंग द पास्ट निक फ्यूरी, और निक फ्यूरी जो खुद एक अलग निक फ्यूरी बन चुका है फिलहाल, जो कि अगर हम इस कन्वर्सेशन में फोकस करें, मारिया हिल और निक फ्यूरी के बीच जो हुआ था और थैनोस के स्नैप के बाद निक फ्यूरी काफी चेंज हो गया था, वो पहले जैसा निक फ्यूरी नहीं रहा था, जो प्लानिंग के साथ जाता था, जो गट्स के साथ जाता था, जो हमेशा किसी भी चीज के लिए रेडी रहता था। लेकिन ये वाला निक फ्यूरी कुछ अलग है, और शायद निक फ्यूरी के कैरेक्टर आपका फुल सर्कल तभी होगा जब नया वाला निक फ्यूरी पुराना वाला निक फ्यूरी बन के जो नया वाला निक फ्यूरी है ग्रैविक, उसको खत्म कर देगा।